मतलब पूरा इंटरनेट तो मतलब उठा उठा कर ठोक ही रहा है। नो इश्यू, सारे लोग एक साथ मिलकर ठोक रहे हैं भाई, क्योंकि ये डिसीजन वैसा है। पब्लिक को या तो हंसी आ रही है या तो पब्लिक उठा उठा कर मतलब भगा भगा कर ठोक रही है पब्लिक। अभी महेश बाबू के फैंस ही को उठा कर ले लो भाई, जिस लेवल पे ये लोग मीम बना रहे हैं ना, वो मीम देखकर मेरा हंसी छूट गया है। मैंने वीडियो डाला नहीं दो दिन से, वीडियो डाल नहीं रहा हूँ एग्जाम्स की वजह से, बट उसके बीच में भी मेरे को भाई कॉमेडी एंटरटेनमेंट देखने को पूरा मिल रहा है बराबर। मेरे को इस लेवल के लोग मतलब भगा भगा कर मार रहा है, इनके कॉन्फिडेंस के बारे में मतलब दाद देना चाहिए यार कसम से। कमिंग टू डंकी वर्सेस सलार, तो ये वीडियो में मैं एक चीज एक बताऊंगा, ये वीडियो को पूरे एंड तक देखो, वीडियो कह के लेने वाली बात है। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी क्या है कि शाहरुख खान क्या है, थाउजेंड करोड़ हज़ार करोड़ मारकर वो खड़ा हुआ है। वो बंदा जो अगला हज़ार मारेगा वो एक ऐसा आइकॉनिक रिकॉर्ड है जो मेरे को नहीं लगता अगले आने वाले 100 साल में भी होएगा, अगले आने वाले इंडियन सिनेमा के 100 ईयर्स में भी वो होने वाला है, वो मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो साल में आना, एग्जैक्टली वो स्ट्राइकर लगना, तीनों फिल्म एक साथ हिट होना, तीनों फिल्म थाउजेंड मारना, वो सारे कैलकुलेशंस दोबारा मैच नहीं होंगे। मैथमेटिकली पॉसिबल है बट थियोरेटिकली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, ये चीज़ है। अभी क्या हो गया कि इनसिक्योरिटी लेवल की एक चीज़ होती है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ लोग बॉलीवुड में 70% लोगों की बढ़ गई है और कुछ जगह पे और जगह पे भी है, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़ गई। तो एज ऑफ नाउ क्या है कि हम लोगों को कैसे भी है कि रोकना है, इस बंदे को रोकना है, बिकॉज अगर ये बंदा 1000 2000 3000 ऐसे सब चला गया ना, तो हम लोगों ने जो मुश्किल से इतना मार्केट बनाया है बॉलीवुड को, तो बॉलीवुड तो खत्म है, बॉलीवुड को तो हद अगल बगल भी बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड तो पूरा हग दिया था। बॉलीवुड ये आकर बचाया उसको, सबसे पहले बॉलीवुड वाले को तो इसका पूरा का पूरा पुतला बनाकर उसका पूजा करना चाहिए बॉलीवुड वाले लोग को, तो बॉलीवुड तो खत्म था इसके बगैर तो। लेकिन क्या है कि अभी अगर ये इतना लेवल पर अगर इसका ग्राफ चला गया ना, तो हम लोगों ने जो एक दबदबा बनाया बॉलीवुड के ऊपर वो दबदबा भी खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। बॉलीवुड नंबर वन पे, वो मतलब नंबर हाईएस्ट ग्रॉसर्स, हाईएस्ट नंबर, क्योंकि हाईएस्ट ग्रॉसर अभी बनने वाला है इंडिया नेट कलेक्शन, ओवरसीज के अंदर तो बॉलीवुड वाला ही है भाई। अभी इंडिया नेट कलेक्शंस में भी जो है वो हाईएस्ट ग्रॉसर अभी बॉलीवुड का फिल्म बनने वाला है, आ रहा है 2025 में एक आ रहा है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कौन सी फिल्म है। तो ये सब होगा, शाहरुख खान अकेला सिंगल लैंग्वेज से 700 करोड़ निकाल रहा है भाई, इंडिया से 600 करोड़ मार रहा है, 700 ग्रॉसर मार रहा है। तो उसके साथ अगर कोई आ गया, कोई स्टार ऐड हो गया जो कि टाइगर वर्सेस पठान में होने वाला है, तो बस खत्म ना, 1000 करोड़ हो गया ना फिर, तो खत्म है फिर, तो मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ों को देखकर तो इनसिक्योरिटी होती है, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को नहीं पता, नहीं पर क्या प्रॉब्लम है इनको नहीं मालूम, ये होती है। तो ये मे बी ये हो सकता है ये पूरा एक ट्रैप हो, ट्रैप इन द सेंस कि उसको रोकने के लिए सब कुछ करने के लिए, या फिर ये हो कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, मे बी एक पब्लिसिटी स्टंट हो। मेरा मैक्स चांस है कि अगर ये लोग आते हैं वहाँ पर, क्योंकि क्या है ना भाई, सामने देखो शाहरुख खान इज अ मॉन्स्टर एज ऑफ नाउ भाई, उस बंदे का जो स्टारडम है वो स्टारडम पिछले 500 साल जब से सिनेमा बना है तब से भी उतना स्टारडम कोई एक सिंगल, मैं एटलीस्ट 2003 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब से मोबाइल वगैरह आ गया तो उसके बाद तो किसी का भी नहीं, उस लेवल का ग्राफ किसी का नहीं बढ़ा है, तो ही इज अ मॉन्स्टर। बट जो फिल्म का कप्तान है ना, द कैप्टन जो है ना, अभी चीफ इंजीनियर जो है फिल्म का वो शाहरुख खान, बट द कैप्टन ऑफ द फिल्म वो राजकुमार हिरानी है भाई। उस बंदे से देखो, उस बंदे का हर एक छोटा फ्रेम में भी ना अब 200 मीनिंग निकाल सकते हो। अभी डंकी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, डंकी का जो टीज़र देखा होगा कितने लोगों ने ये चीज़ उसमें वो चीज़ को देखा नहीं होगा, मेरे को लग रहा है 5% 2% लोगों ने उस चीज़ पर गौर किया होगा। वो डंकी का जो लोगो आता है ना, लोगो के ऊपर से प्लेन जाता है, वो लोगो के साइड से लोग चल रहे हैं, मतलब जो लोगो टाइटल के बगल से लोग चल रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पता है, ऊपर से वीज़ा के साथ जा रहे हैं, नीचे बिना वीज़ा के जा रहे हैं, एज ऑफ नाउ सिचुएशन वही है। सो दैट्स इट, उसका एक फ्रेम 200 पूरी की पूरी पिक्चर चली जाएगी। तो ज़्यादा उछलने का नहीं है, कुछ लोगों को बोलूँगा, महेश बाबू के फैंस को जाकर ट्रोल कर रहे हैं, उनके फैंस कितने लोगों को ट्रोल करोगे, तुम लोगों का काम ही तुम्हारा काम ही ऐसा हुआ है, तुम लोगों के साथ प्रैंक ही ऐसा हुआ है, प्रैंक हो गया ये कसम से प्रैंक हो गया, क्योंकि वो अब मारेगा नहीं, वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। वो ये लोग कुछ लोग हैं जो मैं तो बोलता हूँ कि क्लैश हो तो भी सही, क्योंकि पूरे
पूरे जो एक एक ब्रिगेड है, पहले मैं बॉयकॉट ब्रिगेड को मारा, दूसरे में बॉलीवुड ब्रिगेड को मारा, अभी तीसरे में जो ब्रिगेड को मारने वाला है उनको मारना भी जरूरी है, जो नया नया चिनमा लोबर्स बने, चिनमा लोबर्स KGF RRR देखकर पूरा का पूरा सिनेमा का पूरा दृष्टिकोण बता देते हैं ये लोग। तो ये जो नए नए बने हैं ना, तो उनको भी दौड़ा दौड़ा कर जो उनके जो नए नए जो सिनेमा लवर्स जो क्लैश क्लैश का रोना करते, इनका भी मेरे को ऐसा लगता है कि मौत का उद्घाटन होने वाला है, इनको भी शमशान घाट पहुँचाने वाला। तो ऑलरेडी दो लोग को तो पहुँचा दिया उसने दो फिल्म से, ये तीसरा फिल्म से मेरे को लग रहा है इनका इनका ट्रिप आने वाला है अभी। तो जाहिर सा बात है क्लैश है, तो मे बी मैं ये भी बोलता हूँ सलार इज नो डाउट अ बिग फिल्म भाई। मैं तो ये तक बोलता हूँ कि मे बी स्टार्ट वो बड़ा ले ले मे बी, क्योंकि एक्शन फिल्म है, यूनिवर्स है, सब कुछ है, सारा नाम के दम पे चल रहा है वो। ये तो खाली अकेला शाहरुख खान है यहाँ पर, तो ऊपर से कंटेंट सोशल ड्रामा फिल्म, कहाँ सोशल ड्रामा फिल्म, कहाँ एक्शन फिल्म। मे बी स्टार्ट मे बी, वो भी 1% में बोल रहा हूँ 1%, क्योंकि उसका स्टारडम इतना खतरनाक है ना कि सोशल ड्रामा फिल्म तो दूर की बात है। अभी वो बी ग्रेड की फिल्म भी करेगा ना, वो बी ग्रेड का फिल्म भी 100 करोड़ का ओपनिंग ले लेगा, तो वो सब ठीक है, लेकिन चलो 1% मान भी लो। लेकिन ना क्या होगा भाई, 2-3 दिन के बाद क्रिसमस है, वो लंबा जो होने वाला है ना पूरा ओवरसीज़ के अंदर, तो छोड़ दो ओवरसीज़ के अंदर ना पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड थिएटर्स ओनर फिल्म को लगाने नहीं देंगे, वो लोग सीधा बोल देंगे वी वांट डंकी, क्योंकि ओवरसीज़ के अंदर छोड़ दो, इंडिया के अंदर भी क्या होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर खत्म खत्म फिनिश सर्वनाश फिल्म, ऐसा वो उठेगा ये ऐसा, क्योंकि पब्लिक पूरा का पूरा चाहिए पब्लिक को कंटेंट। एक्शन फिल्म ऑलरेडी शाहरुख खान ने दो दे दिए, अब इसके बीच में टाइगर भी आ जाएगी, लियो भी है, तो क्या है क्या ही है। तो अभी वो काला काला क्या बोलते हो कोयला उठाकर स्क्रीन में ऐसा करके मारना उसको, तो अभी ऑलरेडी वो हम लोग KGF में देख चुके हैं अपन, वो वर्ल्ड क्लास मूवी है नो डाउट। तो ये चीज़ दोबारा रिपीट में वही चीज़, इट इज़ अ डायनासोर, ही इज़ अ रैट, ही इज़ अ बिल्ली, वो सब हम लोग को सुनना नहीं, हम लोग को चाहिए कंटेंट। सो मेरा तो अंधा सपोर्ट है, बोल रहे हैं ना इतना ज़्यादा भी बिलीव नहीं करना चाहिए भाई, बिलीव शाहरुख खान का स्टार्डम तो चलो ठीक है, राजकुमारी रानी जो है ना भाई वो डायरेक्टर नहीं है, वो गॉड ऑफ सिनेमा है, वो गॉड ऑफ फिल्म मेकिंग है वो, मालूम है उसका तरह डायरेक्टर पूरा हिंदुस्तान में आने वाला 100 साल में भी नहीं बन सकता, गॉड ऑफ सिनेमा है वो बंदा। तो आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग इसके आगे, सो इट माइट बी अ ट्रैप, इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी के चक्कर में क्या हो जाएगा भी ना, ये बात हो जाएगा कि मगरमच्छ के मुंह में मुंडी डालना, मगरमच्छ नहीं गॉडजिला के मुंह में, डायनासोर जाकर गॉडजिला के मुंह में मुंडी डाल रहे, तो ये बात हो जाएगी एज ऑफ नाउ। तो ठीक है, वीडियो से लगा तो सब्सक्राइब करो, अगर क्लैश होता है तो फुल ऑन फुल अपडेट्स एंड साथ में ठुकाई भी वो तो मिलेगा।